खाए मालूम होगा सुनो की मुख्य अतिथि और लखनऊ की धरा पर चिकित्सा तथा शिक्षा के पावन मंदिरों की स्थापना की पुण्य देवी परम आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा मैम, चेयरमैन टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर बहुत यशस्विता का आज भाव है। हम एक ऐसे प्रांगण में हैं जिस प्रांगण का नाम लेकर के अगर आप उत्तर प्रदेश के उत्तरीय ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव में भी माननीय मिश्रा जी का नाम ले लें तो तत्पश्चात हर एक बालक के मुंह से निकल आता है कि संपूर्ण परिवार तीन पीढ़ी से समर्पित है दिव्यांगजनों का। ऐसा एक समर्पित परिवार के स्वरूप में और एक ऐसे संस्थान में खड़ा हूं जहां खड़े होना ही जुड़े होना ही अपने में एक दैवत्वता है।
विशेष गणों से सादर निवेदन करूंगा कि आप आए और कार्यक्रम के आधिकारिक उद्घाटन है मां वीणापाणी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस अति विशिष्ट कार्यक्रम को उद्घाटित करने की कृपा करें सभी अतिथि विशेष। तालियां बजती रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। हे मां वीणापाणी, आज के इस दिव्य आवरण में आयोजित हो रहे हम दृष्टि दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के भाव को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने वाले विश्व श्वेत छड़ी दिवस को साफल्यतम रूप में ले जाने हेतु आपके श्री चरणों में मैं समस्त मंचासीन और समस्त उपस्थित अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से नतमस्तक होता हूं। मां अपना आशीर्वचन बनाए रखें। अतिथि स्वागत के क्रम में मैं हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में परमारणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा मैम चेयरमैन पीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के स्वागत के लिए हमारी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे बीच श्री संतोष कुमार सर से मैं निवेदन करूंगा कि मैम को स्मृति चिन्ह और पुष्प प्रदान कर मैम का स्वागत वंदन और अभिनंदन कर। श्री नागराज सर सीआरसी लखनऊ से सादर निवेदन करूंगा कि सर आप आए और हमारे बीच अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रहे आदरणीय श्री आरबी सिंह सर कुल सचिव टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय का स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। सर बीच यथोचित स्वागत के पश्चात मैं अपनी बेटियों को आमंत्रित करूंगा स्वागत गीत के लिए। जो हमारी प्यारी बेटियां हमारे बीच हैं, पीछे बैठी हुई प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि वो मेरी बेटियों को लिवाकर मंच के समक्ष आ जाएं। कॉर्डलेस माइक Thank you.
के स्वागत हेतु अपने दिव्यतम भावों से युक्त शब्दों की श्रृंखलाओं को हृदय की सार गर्भिता से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आप सभी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मंचस्थ विशिष्ट जन, आज के इस सुअवसर पर इस प्रांगण की दिव्यता को प्रतिमूर्तित करने वाले और यहां पर जो इस बगिया के जितने पुष्प दिखाई दे रहे हैं, हर एक विशेष आवश्यकता वाला अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, हम समस्त जन ऋणी है माननीय के। मैं आपके समक्ष दिवस के विशेषांक को रखने से पूर्व एक स्थिति रख दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य ही आप इस परिचय से कहीं न कहीं अनभिज्ञ है। माननीय के प्रयासों के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में हमारी प्यारी बेटे और बेटियों के लिए विशेषकर दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और मानसिक मंद बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर विद्यालयों की स्थापना न के बराबर थी। आपने हमारी मुख्य अतिथि माननीय कल्पना मैम की प्रेरणा से एक ऐसे दिव्य मंत्र को लेकर के स्वाकारित करना आरंभ किया कि आज समस्त भारत अचंभित है आपके उस योगदान से। ये जितने प्यारे बच्चे बैठे हैं पीछे, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन के हैं, आपको बताएं, किसी एक के लिए जी जाना पूरा जीवन समर्पित जीवन कहा जाता है, श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। आपने पूरे समाज के लिए जी करके केवल जीवन को नहीं अपितु आने वाली 10 पीढ़ियों को श्रेष्ठ बना दिया है। संपूर्ण भारत में दिव्यांगता की श्रेष्ठता को, बौद्धिकता को और उनके सशक्तिकरण को स्थापित करने वाले परम आदरणीय माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा सर, आपने दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए न केवल इंटर कॉलेजों की स्थापना शासन के साथ मिलकर की, अपितु असंभव लगने वाला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया। आदरणीय माता श्री के नाम से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, आपके सपनों का विश्वविद्यालय। आज 5,000 से ज्यादा प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों को शिक्षा दे रहा है, शिक्षा की लौ जगा रहा है। और मैं आप लोगों को बताते हुए इस आश्चर्य से परिचित कर दूं, उसके पश्चात इस धरा पर कोई माई कलाल नहीं हुआ जो सरकारी स्तर पर पूरे एशिया में एक भी विश्वविद्यालय स्थापित कर पाया हो। प्रेरणा है आदरणीय आपका निरंतर स्नेह और 3 पीढ़ियों से चला रहा आशीर्वाद आज हम दिव्यांगजनों को प्रस्फुटित होने, पुलकित होने और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में, आपको बताते हैं मुझे हर्ष है कि मेरे सामने बगल में बैठे हुए जो हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप गंगवार सर, आदरणीय वर्षा मैम, आप दोनों जन लेक्चरर के पद पर स्पर्श राज्य की बालिका दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज मोहन रोड में सेवाएं दे रहे हैं और आप भी अभिसिंचित हैं इसी वट वृक्ष के, आप भी ऐसे ऐसे रत्न आपने तैयार किया है कि आईएएस और पीसीएस की रैंक पास करके आज आपके इस आशीर्वचन को लेकर आपके उस पंखुरित पुष्प आज आह्लादित हो रहे हैं। जब मैं अपने बच्चों को लेकर चला आदरणीय मैम आपके श्री चरणों में यह सूचना रखूं, बच्चे आह्लादित थे देखने को कि एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना करने में शासन के पसीने छूटते हैं और आज हम ऐसे देवत्व का दर्शन करेंगे जिन्होंने एक एक नहीं दो दो विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए।
अन्यानी लोगों को लगता होगा कि शासन की देन है डीएसएमएनआरयू। हम जैसे लोगों को पता है या उस रणबाजुले को पता है जो उदाहरण स्वरूप यहां बैठे हैं कि चप्पलें पीट पीट कर हम लोगों ने कितने चटरचट करके विश्वविद्यालय के लिए मिश्रा जी से निवेदन किया और मिश्रा जी ने उस निवेदन को स्वीकार करके ऐसे ऐसे रत्नों को हमारे बीच में उपस्थित किया और तत्पश्चात आदरणीय पिताजी के नाम से यह चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करके उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया कि आने वाली दसों पीढ़ियां इस समाज के लिए समर्पित है, केवल और केवल अपनी जिज्ञासाओं को रखना है। ऐसी देवत्व मूर्ति हमारे बीच में है, मैं सभी के समक्ष उनका सादर प्रणाम करके स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं साथी अभिनंदन करता हूं इस कुल के यशस्वी दीपक परमाणी श्री कपिल मिश्रा सर, प्रो वाइस चांसलर टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय का। निश्चित ही आप उस बरगद की छांव हैं जिनकी तरफ समस्त भारत की निगाह है। आप एक ऐसी आस है जिनसे हमें युवा विचार लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपकी तरफ देख करके हम सभी आह्लादित हैं कि हमारी अगली पीढ़ी हमारे इस सेवा भाव अरविंद मिश्रा जी ने वो संकल्प, वह कल्पना, वह वेद ऋचा, वह वेद मंत्र सार्थक करके दिखाया कि अयो अयम निज वेद परोगणना लघुते साम। हमारी गणना छोटे चित्त वाले लोगों में नहीं, अपितु हम संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण धरा को और संपूर्ण दीनहीन विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को अपनी परिवार, अपने जन, अपने लोगों की तरह मान के उनके सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। आप उस धुरी के अब एक ऐसे प्रणेता के रूप में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। स्वागत की अगली कड़ी में मैं स्वागत करता हूं इस यशस्वी विश्वविद्यालय चिकित्सा विश्वविद्यालय टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुल सचिव आदरणीय आरपी सिंह सर का। एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर के आप यहां आए हैं और उस पंखुरित होते पुष्प को एक साकारित पुष्प के रूप में स्थापित करने के लिए आपका निर्देशन, अकुशल मर्मज्ञ विचार हम सभी के लिए एक आशा की किरण है। आपका भी बहुत बहुत वंदन। संपूर्ण ताने बाने में प्रशासनिक रूप से सभी को संजो करके और विधि के द्वारा इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के पश्चात जो दिव्य मंत्र बना उसमें आप प्रशासनिक सहयोग प्रदान कर रहे, दिव्यतम अपने विचार दे रहे आदरणीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर ए के श्रीवास्तव सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के प्रणेता, जैसा मैंने पहले ही बताया कि कार्यक्रम की सूचना जब लेकर के मैं मैम के समक्ष गया तो पूरी तरीके से मैं संतुष्ट था, आश्वस्त था कि आदरणीय मैम के कर्ण बिंदुओं में जब मैं दिव्यांग बच्चों की बात करूंगा तो ना तो किसी पक्ष में हो ही नहीं सकता। मैम ने आशीर्वचन दिया और उसके बाद आदरणीय डॉक्टर राय सर ने एक एक पक्ष को देख करके नोटेड करते हुए इस कार्यक्रम की पूरी श्रृंखला को देखा। आज सुबह 7 बजे से आप बस कहां पहुंची, बच्चे बैठे कि नहीं बैठे, एम्बुलेंस पहुंची कि नहीं पहुंची, बीच में आप कहां पहुंचे हैं, बराबर आप टच में रहे, यह बताता है कि समर्पण जब होता है तो एक एक बिंदु की तरफ बढ़ता है। इस कार्यक्रम के मुख्य की शुरुआत आरंभित करने के लिए मैं विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय के कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री पंकज कुमार द्विवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना में अत्यंत हमारा सहयोग किया। मैं सीआरसी लखनऊ से आए हुए अपने सभी ऑफिशियल्स, अधिकारी, कर्मचारियों का इस दैवत्वपूर्ण प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। को एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा कि हमारे परिवार के दो वरिष्ठ प्रकाश पुंजों का आप आए और बुके तथा मोमेंटो, पुष्प तथा मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन करें, तत्पश्चात हम कार्यक्रम को आकर्षित करेंगे। परम भाई श्री प्रदीप गंगवार सर आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
और आदरणीय वर्षा गुप्ता मैम। सर्वप्रथम 1964 में 15 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति सैंडरसन जी के द्वारा दृष्टि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की स्थापना, उनके समृद्धकरण की स्थापना और उनको संबल देने की स्थापना के महत्व से आरंभित किया गया। आज के इस अवसर को भारत सहित संपूर्ण विश्व को के 170 से अधिक देश 15 अक्टूबर को इस दिवस को मनाते हैं और अपने अपने यहां दृष्टिबाधित जनों के साथ साथ सामान्य जनों को भी छड़ी की महत्ता, छड़ी के उपयोग तथा छड़ी के साथ संबल पूर्वक चलने की सशक्तिकरण के भाव को सभी के समक्ष रखते हैं। हम इस दिवस को एक दिन पूर्व 14 अक्टूबर 2023 को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं और भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित समय की क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम को आप सभी के बीच में इस भाव से प्रस्तुत किया जा रहा कि आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात आप सभी लोग दृष्टि दिव्यांगजनों के नेत्र बनेंगे, आप सभी लोग दृष्टि दिव्यांगजनों के सहायक बनेंगे, आप सभी लोग उनकी समृद्धता, उनकी क्षय जो उनकी मूल सहभागिता का प्रतीक है, मूल स्वरूप का प्रतीक है, उसका अवलंबन और उसके स्वावलंबन को स्थापित करते हुए आदर सहित दृष्टि दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं के लिए समर्पित भाव से, सेवा भाव से आप उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथ एक चाहना और है, मैं सभा मंडल में उपस्थित अभी सभी समस्त जनों से एक चाहना कर दूं। कई बार होता है कि हम पूर्वाग्रह से कहीं न कहीं प्रभावित दिखते हैं। आदरणीय मैम इस बात के प्रतीक है, अब 19वीं शताब्दी का वह दौर नहीं, अब 21वीं शताब्दी का वह दौर है जब हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाएं कंधे से कंधा मिलाकर आईएएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, मेडिकल की परीक्षाएं विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन या तमाम और अलंकृत पदों पर हमारे विशेष आवश्यकता वाले बेटे और बेटियां, भाई और बहन, श्रेष्ठ जन बैठ रहे हैं। हम सभी का सुअवसर है कि कम से कम उत्तर प्रदेश राज्य में अगर हम उदाहरणों के क्रम में आपको 2-3 उदाहरण के क्रम में रखे तो मैं आपको बताऊंगा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विशेष सचिव स्पेशल सेक्रेटरी श्री अजीत कुमार सर 100% ब्लाइंड है, आईएएस है। यह इस बात का प्रमाण है कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, तो आवश्यकता किस बात की, अपनी दृष्टि में दृष्टिकोण लाने। अध्यापक प्रशिक्षण कराते हुए कई बार मैंने ऐसे अनुभव किया, आदरणीय मैम आपके शिक्षकों के समक्ष मैं ये अनुभव रखूं, आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय सभी मंचस्थ हैं, मैं जब प्रैक्टिस टीचिंग कराने ले जाता हूं बच्चों को सर, और बच्चों के पहुंचने से पूर्व जब किसी जनरल स्कूल में बात करता हूं कि दृष्टिबाधित बच्चों के पढ़ाने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहा हूं उनकी प्रैक्टिस टीचिंग होनी है, तो सब लोग कहते हैं कि यहां ब्लाइंड कैसे पढ़ाएंगे, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो आएंगे कैसे।
और आपको बताते हुए मुझे आश्चर्य है कि कई ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग हमारे LKG UKG में पढ़ने वाले बच्चों को देख करके, PG की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को देख करके आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या ये भी पढ़ते हैं। हम 21वीं शताब्दी में हैं। प्रांजल पाटिल वह बिटिया है जो दिल्ली में SDM के पद को विभूषित कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में 10 से अधिक ऐसे अधिकारी, पदाधिकारी और शासन स्तर पर विराजमान अपनी सेवाएं दे रहे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो दिव्यांगता से ग्रसित है। मांग है इस बात की कि आइए बराबरी का भाव लेके चलते हैं, आइए कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, आइए एक ऐसे स्वरूप की तरफ चलते हैं जहां दुराभाव की स्थिति नहीं होगी, जहां सहयोग की परिस्थिति होगी, जहां स्वावलंबन की परिस्थिति होगी। हमारी आवश्यकताएं हो आप उपस्थित हो, आपकी आवश्यकताएं हो हम उपस्थित हो। मैं आपको बताते हुए पूरे विश्वास से बताऊं, संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा स्मृति अगर किसी विशेष वर्ग की होती है तो हमारे दृष्टिबाधित वर्ग की होती है। 6 महीने पहले भी अगर मेरे भाई ने, मैंने या किसी ने आपकी आवाज को सुना है तो 6 महीने बाद भी जब आवाज सुनेंगे तो हम नाम रिकॉग्नाइज करेंगे। आप चित्र से भूल जाते हैं, हो सकता है, लेकिन हम आपकी वॉइस से, आपकी आवाज से पता कर लेते हैं कि कौन हमारे साथ है। 10 साल पूर्व की कोई घटना हो, स्मरण शक्ति बहुत तेज है। यह हमारी वो क्षमताएं हैं जिसको आप सभी सामान्य जन प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, और इसको एक सेक्टर ने प्रयोग करके स्थापित करके हमें प्रशस्ति पत्र भी दिया। वह सेक्टर है कॉल सेंटर। कॉल जहां होते हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया सर, 150 दृष्टिबाधित कॉल सेंटर के विभिन्न आइडिया, एयरटेल इत्यादि कंपनियों के जो हमारे कर्मचारी थे, 150 दृष्टिबाधित कर्मचारियों को रखा और 150 सामान्य कर्मचारियों को रखा। 1 महीने तक शोध चला नोएडा की कंपनी के द्वारा, और शोध में पाया गया कि 12 घंटे की ड्यूटी में जनरल व्यक्ति का कॉल जो रिकॉर्ड होता था, जो कॉल लेने की बात होती थी या बात करने की जो बात होती थी, वह बात का एवरेज आया 8.5 घंटे। और जब हमारी बात देखी गई, हम दिव्यांगजनों की बात देखी गई, तो 11 घंटे 40 मिनट हम कॉल में रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि दृष्टि का अभाव अगर किसी एक सीमा को देता है तो श्रवण से पूर्ण करता है, लेकिन वो एक अवसर भी देता है, डिस्ट्रैक्शन समाप्त हो जाता है। आप अपने अनुभव से देखिएगा, आप किसी कार्य में तल्लीन हो, दृष्टि आधारित कोई अनुभव आता है, कोई चित्र, कोई चरित्र सामने से गुजर जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम जिस काम में हैं लगे प्रतिबद्ध है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप हमारे साथ आकर के एक समृद्धशाली माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे साथ याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं, और विभिन्न काउंसलिंग सेंटरों पर, विभिन्न कार्य स्थलों पर हम अपनी सेवाओं को बड़ी मजबूती के साथ रख भी रहे। एक बार बच्चों को तालियां बजाकर इसका सभागार में उपस्थित वरिष्ठ अतिथिगण एवं हमारे सम्माननीय अतिथिगण का सियासी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन करते हैं। आज हम विश्व सफेद छड़ी दिवस के उपलक्ष में हमारे छात्राध्यापिकाएं आप लोगों के समक्ष जो छड़ी है उसकी विशेषता और दृष्टिबाधित के जीवन में कैसे परिवर्तन लाए हैं उसका जो है नाट्य विधि के द्वारा प्रदर्शन करेंगे। क्या आपको भी चलने में तकलीफ होती है? क्या आपको भी दूसरों का, लोगों का सहारा लेना पड़ता है?
ताकि आप यहाँ से वहां जा सके। तो मैम तो मिलिए मुझसे, मैं तो लाठी हूँ, मेरे पे ही तो सारे बूढ़े आश्रित रहते हैं और दृष्टि बात तो को राह बताती हूँ। अरे हटो लाठी, तुम क्या हो, तुम तो इतनी भारी हो कि तुमको तो कोई लेके भी नहीं चल सकता है। आइए हम आपको अपने से मिलाते हैं, हम मैन लॉन के, और हमारे में इतनी सारी विशेषताएं हैं जो लाठी बिल्कुल नहीं कह सकती। तुम क्या बताओगी, अब मैं बताती हूँ अपने बारे में। मैं बिल्कुल सीधी रहती हूँ और चलने में भी आसान रहती हूँ, और दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो हमें आसानी से लेके चले जाते हैं, और हम इतने अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, बिल्कुल जीरो फिगर हैं, बिल्कुल पतले हैं, इधर से टेढ़े भी नहीं होते हैं, मेढ़े भी नहीं होते हैं, इधर उधर से कहीं भी नहीं जा सकते। और इनका क्या है, ये लोग भी एकदम बेकार हैं। अब तुम्हारा क्या है, तुम तो फोल्डिंग के हो, तुम तो ऐसे मुड़ जाओगी, ऐसे मुड़ जाओगी, जैसे पढ़ोगी वैसे मुड़ जाओगी। हम तो एकदम सीधे रहते हैं, और हमारे में बहुत सारी खूबियां हैं, हमारे सर पे ताज भी रहता है, और इतनी सारी खूबियां हैं, इतनी सारी खूबियां हैं कि हम आपको बताते बताते थक जाएंगे। और ये स्मार्ट गेम, स्मार्ट गेम क्या करेगी, स्मार्ट गेम तो बैटरी से चलती है, अगर इनको तुरंत इनका सेंसर खराब हो जाएगा ये तुरंत गिर जाएगी और इनका भी काम मिश्रा विश्वविद्यालय से डीएड वीआई का छात्र हूं, और मैं आप लोगों के पीछे गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसके बोल हैं उड़ जा काले कामा गदर टू फ्रॉम द सनी देओल जी, हमारे फेवरेट एक्टर हैं। लेकिन ये गाना प्रस्तुत करने से पहले मैं आप लोगों के सनी देओल का एक छोटा सा डायलॉग बोलना चाहूंगा। कोई ताकत कोई जरूरत नहीं लग सकती। उड़ जा काले कामा तेरे खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरे Yeah.
सभी से कहना चाहूंगा कि अपनी कदरदानी को यूं न छुपाइए, प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां उन्हें आपसे केवल तालियां उत्साह वर्धन ही चाहिए। आपकी तालियां हमारे प्यारे भाइयों को, हमारे बच्चों को आह्लादित करेंगी। और सभी गुरुजनों को नमन करते हुए मैं अग्रिम यादव अपने सहपाठियों के साथ सीआरसी की ओर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपना नाटक लेकर, जिसका शीर्षक है मेरी छड़ी हमेशा मेरे साथ खड़ी। इसकी प्रमुख पात्र का परिचय इस प्रकार है। मैं नेहा इस नाटक में दृष्टिबाधित बच्ची का किरदार निभा रही हूँ। मैं अनामिका मौर्य जो कि इस नाटक में छड़ी का किरदार निभा रही हूँ। मैं आरती चौहान मैं इस नाटक में दृष्टिबाधित बच्ची की माँ होने का किरदार निभा रही हूँ। मैं जन्मविजय सिंह इस नाटक में दृष्टिबाधित बच्ची के पिता का किरदार निभा रहा हूँ। मैं प्रज्ञा दुष्वाज हूँ इस नाटक में दृष्टिबाधित की बहन का किरदार निभा रही हूँ। मैं स्वीटी गुप्ता और मैं इस नाटक में दृष्टिबाधित बच्ची की मित्र का किरदार निभा रही हूँ। मैं महेश यादव इस नाटक में दृष्टिबाधित बच्ची के पड़ोसी का किरदार निभा रहा हूँ। मैं सीएल चौहान जो कि इस नाटक में दृष्टिबाधित बच्ची की पड़ोसी का किरदार निभा रही हूँ। मैं अग्रिम यादव जो कि इस नाटक में दृष्टिबाधित बच्ची के पिता का दोस्त हूँ और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का इंस्ट्रक्टर हूँ। नाटक का पहला दृश्य उस समय का है जब बच्ची की जांच अस्पताल में हुई है और डॉक्टर्स ने बताया है कि रेटिना में प्रॉब्लम के कारण बच्ची अभी अल्प दृष्टि बाधित है परंतु आगे चलकर पूर्ण दृष्टि बाधित हो सकती है। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और ये भाई साहब। जी भाई साहब और कैसे हैं? बढ़िया है भाई साहब। और बड़े उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? अरे भाई साहब क्या बताएं, बिटिया को कुछ दिनों से आंखों में दिक्कत थी तो उसको अस्पताल लेके गए थे, उसका वहाँ चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको लो विजन है, अगर इसको लंबे समय तक सही इलाज ना दिया जाए तो लंबे समय के बाद विजन लेस हो सकती है। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपनी बच्ची को थोड़ा सही से खाना वगैरह खिलाइए, उसको फल वगैरह खिलाइए, वो अपने आप सही हो जाएगी, इसकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जी भाई साहब। पड़ोसी और पिता की चर्चा के बीच में पिता के पास कॉल आता है। हेलो। जी सर। सर जब यहाँ होकर निकल रहे हैं तो सर आ जाइए। जी सर बिल्कुल सर आइए सर, स्वागत है सर। जी सर अभी हमारे पुत्र हैं और वो टीचर भी, वो अभी आ रहे हैं घर पर मिलने के लिए। नमस्कार भाई साहब कैसे हैं? बस भाई साहब बढ़िया हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार और बताइए कैसे? बढ़िया हैं। बैठिए सर। नमस्ते भाई साहब बढ़िया, और आप बताइए? सब बढ़िया, आप बताइए और डॉक्टर सब ठीक है? बस कुछ नहीं भाई साहब, बहुत परेशान है। क्या हुआ भाभी? बच्ची को डॉक्टर के पास दिखा के आए थे तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ थोड़े समय बाद इसकी दृष्टि चली जाएगी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। देखिए आप चिंता मत कीजिए, जो भी है सब डॉक्टर्स के हाथ में है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं सीआरसी में अभी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैं इसी की शिक्षा देता हूँ। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वे अपना कार्य, सारा कार्य कैसे स्वयं से कर सकते हैं बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए, यह मैं उन्हें सिखाता हूँ। तो आप अगर आपकी बच्ची भगवान न करे लेकिन अगर दृष्टिबाधित होती है तो आप अभी से, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप अभी से आए और उसे ये शिक्षा दिलाएं ताकि वह आगे चल के आत्मनिर्भर बन सके, आपके ऊपर बोझ ना हो। अरे सर आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। जब बच्ची अगर अभी दृष्टिबाधित नहीं है, अगर वो आगे जाके दृष्टिबाधित होती है तो वो कैसे एक बिना सहारे के कैसे जी सकती है, वो बिल्कुल भी नहीं जी सकती है। जी भाई साहब मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की, वह इसी पर आधारित होती है कि दृष्टिबाधित बच्चे कैसे अपना सारा कार्य स्वयं कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अरे भाई साहब ये सब कहने की बातें हैं, सिर्फ इनको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ कहा ही जा सकता है।
भाई साहब आपको अगर इस बात का भरोसा ना हो तो आप हमारे सीआरसी के प्रांगण में आइए, हम आपको ऐसे बच्चों से अवगत कराएंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा दिखाएंगे और आपको ऐसे भी बच्चे दिखाएंगे जो अपने सारा काम स्वयं करते हैं और अपने क्षेत्रों में सफल बनते हैं। जी सर देखा जाए। चलिए भाई साहब मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे, मुझे दूसरा दृश्य उस समय का है जब बच्ची पूर्ण दृष्टि बाधित हो चुकी है और उसके माता पिता बहुत परेशान है, आपस में चर्चा करते हैं। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं, इन्हें कुछ पता है नहीं, ये सब ऐसे ही बोल देते हैं। और अगर आपकी बच्ची अभी दृष्टिबाधित नहीं है, अगर आगे जाके वो दृष्टिबाधित होती है तो आप सब आप खुद सोचिए, अगर वो आगे जाके आप उसको आगे बाहर निकालेंगे और अगर वो बाहर जाती है आपकी कितनी बदनामी होगी, कितनी नाक कटेगी, आपको समाज में कितना ज्यादा दबाया जाएगा। जी भाई साहब आप सही कह रहे हो, हम नहीं निकालेंगे उसे, हमें समाज जीने नहीं देगा, बाहर निकालेंगे। जी बहन जी, इस तरह से पड़ोसी उनके माता पिता को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जब बच्ची पूर्ण दृष्टिबाधित हो जाती है तो उनके माता पिता बहुत चिंता में हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। अरे अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी जिंदगी में पहले से इतनी दिक्कत थी, अभी इतनी दिक्कत आ गई है, इसकी देखभाल कौन करेगा, घर से बाहर जाना पड़ता है काम से, आप भी बिजी रहते हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा। अरे कोई बात नहीं, बच्ची तो हमारी ही है, हमें ही करना पड़ेगा अब इसका सब कुछ, हम हैं आप हैं और इसकी छोटी बहन है वो देखभाल करेंगे इसकी। मैं इसका काम भी पूरी, मुझे अपने काम करना था, मैं अपना काम नहीं कर पाती, मुझे स्कूल जाना पड़ा, इसका काम भी पूरी, मुझे नहीं करना इसका कोई काम। आग्रह पर बच्ची के माता पिता उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं, बच्ची पूर्ण दृष्टि बाधित है इसलिए उसे सबके सहारे की जरूरत है। यह दृश्य रोड का है। अरे देखो देखो ये दृष्टिवादी है, इसे चलना नहीं आता, इसे सहारे की जरूरत है, ये ऐसी रहेगी। अरे देखो क्या ही कर लेगी, ये तो गिरती पड़ती रहेगी हमेशा, अब तो इसकी शादी भी नहीं होगी, ये ऐसी ही रह जाएगी, समाज में बोझ है, ये ऐसी ही रहेगी और कुछ नहीं कर पाएगी अपनी जिंदगी में। दृष्टिबाधित बच्ची की माँ उसे समझाने के लिए उसकी सहेली को बुलाती है। हेलो, हाँ स्वीटी जरा घर पे आना, ये तुम्हारी फ्रेंड बहुत परेशान हो रही है, इसको जरा समझाओ। हाँ बेटा आप सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा।
मेरे एक मित्र हैं जो सीआरसी में हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखाते हैं, मैं उनसे जरूर संपर्क करता हूँ। जी बिल्कुल। अगला दृश्य सीआरसी का है, जहाँ बच्चे के माता पिता उसके दोस्त के कहने पर उसको सीआरसी में शिक्षा के लिए लेकर आते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आइए बैठिए, बैठो बेटा, और बताइए कैसे आना होगा। उतनी सर्वत जिसको आपका डर था वही हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ समय के बाद अगर इसको सही इलाज नहीं मिलता है तो ये विजन डेथ हो जाएगी, तो अपने लोगों से बोले तो अब ये विजन डेथ हो चुकी है, तो आपने बताया था, सोचा सीआरसी लेते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की शिक्षा इसको प्राप्त कराए, इसलिए आप निर्भर बन सकते। जी आपने बिल्कुल ठीक किया, मैंने तो आपको पहले भी सलाह दी थी पर आप किसी कारणवश नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं देख रहा हूँ आप एक बच्ची को लाने के लिए दो दो लोगों के सहारे की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आप पहले आए होते तो ये अब तक आप निर्भर होती, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब जागो तब सवेरा। अब आप जब इसे यहाँ ले आए हमारे प्रांगण में सीआरसी में, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कुछ ही समय में ये बच्ची ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन जाएगी और अपना सारा कार्य स्वयं करेगी, आपको इसके सहारे की जरूरत। धन्यवाद। ठीक है, मैं इसकी आज इसी क्लास पूरी करता हूँ। हेलो बेटा, कैसे हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? सब पड़ोसी हमको ताने मारते रहते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बेटा आप चिंता मत करो, वो तो उन्हें आपके यहाँ सीआरसी के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में नहीं बताया। आपको मैं बता दूं कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी एक विशेष प्रकार की शिक्षा होती है, जिसके द्वारा वे अपना सारा कार्य कर सकते हैं, और आपके जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको आत्मनिर्भर बनाना की शिक्षा देना चाहूंगा, इसलिए मैं आपको छड़ी का उपयोग सिखाऊंगा, जिसे कहते हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक छड़ी मिलेगी, देखिए ये छड़ी है, इसका सबसे ऊपर का भाग टॉप कहते हैं और ये इसकी ग्रिप है, थोड़ा नीचे लाइए, खड़े हो जाइए, मैं आपको शिक्षा देता हूँ इसकी। देखिए इसकी ग्रिप को पकड़िए, इसकी ग्रिप को पकड़ते हैं और आपकी जो पहली उंगली है उसे नीचे बॉटम, सबसे नीचे का भाग बॉटम होता है, उसकी तरफ करते हैं और इसे अपनी नाभि के सामने तक लेके आते हैं। ठीक है, और जब आप छड़ी से चलेंगी तो इससे आप आगे की चीजें महसूस करेंगी। अब आप देख नहीं सकती तो क्या हुआ, आप चीजों को महसूस करके उन्हें समझ सकती हैं। ठीक है, आपका हाथ सीधा रहेगा, केवल कलाइयों का यूज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बच्ची की शिक्षा सीआरसी में कंप्लीट होती है और कुछ वर्षों बाद बच्ची पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर है और वह अपना सारा कार्य स्वयं कर सकती है। यह दृश्य उस समय का है जब बच्ची सीआरसी में शिक्षा पूर्ण कर चुकी है। बेटा आज आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब आपको चलिए मैं गेट तक छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। बेटा मैं गेट तक तो छोड़ देता हूँ आपको। नहीं सर, मैं अकेले चली जा सकती हूँ। शाबाश बेटा, मुझे आपने शिक्षा के साथ साथ यही कॉन्फिडेंस लाना था कि आप किसी से कम नहीं है, सारा कार्य स्वयं कर सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। आज मेरी शिक्षा पूरी हुई, ठीक है आप जा सकती है। यह दृश्य कुछ वर्षों बाद का है जब बच्ची अपना सारा कार्य करने में सक्षम है, आत्मनिर्भर बन चुकी है और वह अब एक विशेष अधिकारी के रूप में है और बाहर टहलने गई है। देखो देखो ये देखो, ये ब्लाइंड फिर से आ गई, देखो अब ये है ना, फिर से देखना गिर जाएगी और फिर से ये रोने लगेगी। इसको चलना भी नहीं आता, कर ही क्या सकती है, ये फिर गिरेगी अभी। ये ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। देखो देखो अभी गिरेगी, टकरा गई। अरे अरे देखो ये बच कैसे गई, ये ऐसे कैसे चल रही है। नहीं अभी गिरेगी, देखो उसको। हाँ हाँ अभी गिर जाएगी, फिर देखना फिर से रोने लगेगी, ऐसी ही रहेगी ये। अरे बच कैसे, चलो उससे पूछते हैं गिरी क्यों नहीं है। चलो चलो। अरे बेटा कैसे हो, बेटा कैसे हो? ठीक है। हमें पहचाना? आप तो बोलो ना, मेरे पड़ोसी जो मुझे ताने मारते रहते। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। सीआरसी में मेरी शिक्षा
आपको तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, अब आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने जिले के बीएससी शिक्षा अधिकारी हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, मैं तो पहले से पता था आप बहुत ज्यादा काबिल हैं। बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे आप, हमें बहुत पता था। बेटा हमें माफ कर दो, हमने आपसे बहुत ज्यादा, हमसे गलती हो गई, हमने आपको बहुत ज्यादा दबाया, हमने बुरा भला था आपसे। हमें पता चले गया आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच रही है, बुरा भला नहीं कहेंगे आप। और हमें कभी भी कोई भी दृष्टिवादी या दिव्यांग व्यक्ति मिलेगा तो हम उसे सीआरसी में शिक्षा अध्ययन करने का सुझाव देंगे। इस तरह से नाटक का समापन की ओर हम जाते हैं और अगले का आपकी है छवि और दृष्टि वाले बच्चे की। हमें सामने बड़ी वस्तुओं को सचेत कराना, आप मुझे टकराने से बचाना, नहीं हो आपको जाना, छवि को साथ ले जाना, दृष्टि वाले बच्चों को चलना सिखाना और जीवन में आगे बढ़ना। हमारे बीच हमारे परिवार के वरिष्ठ जन और स्थापना काल से ही डॉक्टर शकुंतला मिश्रा संस्थान में एक सशक्त सेवादार कार्यकर्ता के रूप में आप अपनी सेवाएं देते हुए पूर्व सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के पद को भी आपने घोषित किए। ऐसे श्री ब्रजेश मिश्रा सर के स्वागत के लिए मैं श्री विकास मिश्रा सर को आमंत्रित करूंगा कि आए और सर को पुष्प तथा स्मृति चिन्ह। अभी आपने देखा कि दो नाटकों के माध्यम से समाज में बदलते हुए कलेवर, बदलते हुए विचारधाराओं को आपके समक्ष रखा गया। यह 100% सत्य है कि यह दुनिया उसी का लोहा मानी है जिसने अपने को स्थापित करके दिखाया है। धीरू, दब्बू और पीछे रहने वालों के लिए यहां कोई स्थान नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावतना। कर्तव्यता की श्रेष्ठता हो, जीवन में मिले हुए जो भी सीमांकन है, जो भी कमियां हैं, उनको दूर करके हम आगे आकर समाज में अपने को स्थापित करें। इसीलिए ईश्वर ने हमें आपको यहां भेजा है, ये हमारी बेटियां, ये हमारे बेटे करके दिखा रहे हैं। हमारा आपका दायित्व है, हम उनको सराहें और आगे बढ़ने के लिए राह प्रदत्त करें। इसी के साथ मैं आपको एक और चित्र याद कराना चाहूंगा। शायद यहां मेडिकल टर्म से बैठे हुए कितने हमारे भाई बहन हैं, वो इस बात को पूरी तरीके से एग्री करेंगे कि भ्रूण हत्या की स्थिति क्या है। जांच कराना और जब मनवांछित रिजल्ट न प्राप्त हो तो मृत्यु की तरफ रह जाना, गर्भ में ही बच्चियों को मार देना, और उसमें भी अगर पता चल जाए कि आने वाली बच्ची दृष्टिबाधित है तब तो 100% आप समझ ही लीजिए। ऐसे विचारों को लेकर के हमारे बच्चे क्लास में विभिन्न जगहों पर चर्चा करते रहते हैं कि इससे कैसे पार पाया जाए। इससे पार पाने का एक ही माध्यम है, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बच्चियों का सशक्तिकरण कैसे स्थापित किया जा सके, कैसे विदेहीकरण को स्थापित किया जा सके। हमें सबको जीने का अवसर देना है, सबकी शिक्षा, सबका ज्ञान, तभी उत्तम स्टेट, उत्तम राज्य की स्थापना हम कर पाएंगे। ऐसे ही किसी एक बेटी के मनवांछित भाव, कल जब कार्यक्रम की तैयारियों से घर को पहुंचा तो मध्यरात में कुछ भाव मन में आए, चंद पंक्तियां ही, लेकिन यह रहा कि आप सभी के श्री चरणों में उसे समर्पित करूंगा। कहीं ना कहीं इस भाव को आपने प्रथम चार पंक्तियों के रूप में श्रवणित किया होगा। बिटिया कहती है गर्भ से, गर्भ में पल रही उस बिटिया के मनोभाव है कि
चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझे दुलार न देना। विनती है पापा मेरी पर जन्म से पहले मार न देना, चाहे मुझको प्यार न देना। ये भाव उठे क्यों? कुछ ही दिनों के पश्चात हमारे घर में भी दिलदारियां गुजनी है। एक पुत्री का बाप हूं और कल एक महान ज्ञानी, मैं ज्ञानी की संज्ञा नहीं दूंगा, महान ज्ञानी से मुलाकात हो गई। चलते चलते उन्होंने पूछा कि नागेश जी, अगर इस बार भी बिटिया आई तो क्या करेंगे? हमने कहा तो हम आकाश में उड़ जाएंगे। जो भी बिटिया आ गई बर्दाश्त के बाहर हो गया। ऐसी संकीर्ण मानसिकताओं को लेकर लोग गुजरते हैं जब हमारे महान रोड से, तो मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी बेटियों को देख करके उनके मनोचित्त बदलते क्यों हैं। बिटिया कहती है कि चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझे दुलार न देना, विनती है पापा मेरी पर जन्म से पहले मार न देना, चाहे मुझको प्यार न देना। अभी तरी कहती है तेरे आंगन की गुड़िया हूं, तेरे गोदी की गुड़िया हूं, देख के मेरे नेत्र में दोष तुम मुझको तुम दुत्कार न देना, चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझे दुलार न देना। विनती है पापा मेरी पर जन्म से पहले मार न देना, चाहे मुझको प्यार न देना। एक दिन मैं भी चल पाऊंगी। ये पंक्तियां उनके लिए जो जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग बेटियां पैदा होती हैं और संपूर्ण ग्रामवासी आकर ऐसे ताने मारते हैं। एक दिन मैं भी चल पाऊंगी। अब अगली पंक्ति छड़ी से चलने वाली बेटियों के लिए। छड़ी पकड़ कर बढ़ जाऊंगी, ले जाना इस कुल तुम पापा मुझको तुम दुत्कार न देना, चाहे मुझको प्यार न देना। एक दिन मैं भी बढ़ जाऊंगी, इस कुल जाके पढ़ जाऊंगी। ऐसी बेटियों की तरह जो इंटर करके ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके अभिभूत कर रही है अपने माँ बाप को। एक दिन मैं भी बढ़ जाऊंगी, इस कुल जाके पढ़ जाऊंगी, मुझको पढ़ा लिखा कर पापा जीवन में सत्कार तुम देना, चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझे दुलार न देना। विनती है पापा मेरी पर जन्म से पहले मार न देना, चाहे मुझको प्यार न देना। ऐसी अभिलाषाएं मूल रूप से मैं वो फील्ड बना रहा था जिस पर हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप गंगवार जी अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे बीच प्रवक्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहे श्री प्रदीप कुमार गंगवार सर को, सहायक प्राध्यापक इस वर्ष राज्य की दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज महाराष्ट्र। हर तरह से युक्त जिनके अंग होते हैं और विघ्न बाधाओं से जो ना तंग होते हैं, हौसलों के साथ दरिया पार जो करके इस जगत में जन्म ही दिव्यांग होते हैं। इस जगत में जन्म ही दिव्यांग होते हैं। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, चेयरपर्सन पीएस मिश्रा मेडिकल यूनिवर्सिटी, आदरणीय कल्पना में
तो आंटी ये कहते हैं प्यार से, तो वो हमारे लिए ये शब्द थोड़े से ज्यादा औपचारिक से लगते हैं। साथ में विराजमान विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर मेरे प्यारे भाई कपिल मिश्रा जी, पूर्व सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार संस्थान से जुड़े हुए सशक्त कार्यकर्ता, पूर्व हस्ताक्षर प्रिय श्रेष्ठ माननीय ब्रजेश मिश्रा जी, संस्थान से जुड़े हुए समस्त ऑनरेबल डीन्स, कुल सचिव विश्वविद्यालय के समस्त पदाधिकारीगण, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और स्टाफ, सीआरसी लखनऊ के सभी साथी, प्यारे विद्यार्थी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ से बालिकाएं आई हैं, रति मिश्रा, निधि मिश्रा, बिंदु चौरसिया, सिवनी, अर्चना, राजीव प्रजापति, ये सब डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन बीआई के स्टूडेंट हैं, अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे थे। आप सभी को बहुत बहुत नमन और अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम है अच्छे प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, हमें अतिथियों को सुनना है, अतिथियों को क्या अभिभावकों को सुनना है, तो हमारे अभिभावकों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति होती है तो कोई भी चीज गर्मियों में हो जाती है। आइए, मैं एक लोक भाषा का गीत है, पांडे जी ने जहां से शुरू किया था मैं वहीं से आगे बढ़ाऊंगा, उसको भूमिका बनाऊंगा, पहले माहौल बनाते हैं थोड़ा सा। आइए, किली धूप अक्षत त्रिपुंड मस्तक सप्रेम मन से सजा रहे हैं, किली धूप अक्षत त्रिपुंड मस्तक सप्रेम मन से सजा रहे हैं, मृदंगता से मयूर नर्तन सुरीली बंसी बजा रहे हैं, विचार सावन परंपरा का नित भाव मन में स्वयं निभा कर, विचार साधन परंपरा का हित भाव मन में स्वयं निभा कर, अपार उत्साह से आज मिलकर दिवस हम मना रहे हैं, अपार श्रद्धा से आज मिलकर छड़ी दिवस हम मना रहे हैं, इसलिए आज आई अनोखी ये अनुपम घड़ी, और वन टू वन, आज आई अनुपम अनोखी घड़ी, आज आई अनुपम अनोखी घड़ी, सुधा की झड़ी सापरे कर स्वयं निज सुधा की झड़ी, अपनी पहचान सबको बताते हुए, अपनी पहचान सबको बताते हुए, हम सफल हर कदम पर हमारी झड़ी, हर कदम पर ये पावन हमारी झड़ी, हम सफल हर कदम पर हमारी झड़ी, कि मैं कहूँ तुम सुनो एक नई बात है, मैं कहूँ तुम सुनो एक नई बात है, हो गया रंग है ढल गई रात है, हो गया रंग है ढल गई रात है, ना समझ गया अकेला किसी मोड़ पर, और वो विधाता सदा आपके साथ है, क्रांति की डोर है, साधना सर्जना क्रांति की डोर है, जो बना हो गया सबका सर मोर है, जो बना हो गया सबका सर मोर है, भूल कर अपने जीवन की कमजोरियां, उच्चमल आगे चल अब तेरा दौर है, उच्चमल आगे चल अब तेरा दौर, विद्यार्थियों को कि निज प्रदर्शन से जग के सितारे बनो, निज प्रदर्शन से जग के सितारे बनो, तुम सभी जन की आंखों के तारे बनो, तुम स...
सभी जन की आंखों के तारे बनो, प्राप्त करके सफलता पुनर्वास में, प्राप्त करके सफलता पुनर्वास में, अपने माता पिता के सहारे बनो, अपने माता पिता बनो सहारे बनो, अपने माता पिता के किया था। मैं वहीं से शुरू करता हूँ, मेरे धर्मपत्नी वर्षा सिंह भी यहाँ उपस्थित हैं। पांडे जी ने गुप्ता जी कहकर संबोधित कर रहे थे, तो ये इन्होंने सुधारा नहीं, तो मैं सुधार देता हूँ। बड़े भाई है, सारे अपराध क्षमा है, तो आइए। वैसे तो कंफ्यूजन गंगवार और सिंह में रहता है, तो उसे बता नहीं। आइए, बहुत सीमित समय में आंटी के वचन हम सुनने हैं, आपकी बात लेना है। एक ही उठाता हूँ, सावन बीते बहुत दिन नहीं हुआ है, दो ही महीने बीते हैं। सावन में एक पर्व होता है कजरी का, जिसे तीज कहते हैं। लड़कियां जाती हैं मायके, झूला झूलती हैं। धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही है, फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल ने खत्म कर दिया है सब। तो वहां पर झूला झूल रही है लड़कियां। एक 23-24 साल की युवती बालक है, साथ में 2-3-4 वर्ष का, वो गुम चुमती है। कन्या साथी तो सचना पूछ रही है, तुम क्यों नहीं झूला झूल रही, तुम क्यों कुछ नहीं सुना रही हो। तो वो अपने मन की बात कहती है। मैं बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगा, तुम सभी समझदार और विद्वान लोग हैं, और मैं समझता हूं कि जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं जो बात आई हो जाकर धीरे धीरे तालियां धीरे धीरे बजाइएगा, साथ दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अकेले यहां से समस्या होती है। आइए कि मन हर सावन ऋतु आई रे, मन हर सावन ऋतु आई रे, पानी की माइक ले लो। मन हर सावन ऋतु आई रे, वीर बरसे बदरिया, मन हर सावन ऋतु आई रे, वीर बरसे मन हर सावन ऋतु आई रे, वीर बरसे Yeah!
के हाथ में जब आप माइक दे देते हैं तब संपूर्ण संसार उसके हाथ में आ जाता है। पेशेंस बनाना होता है। अब हम अपने कार्यक्रम की पूर्णाहुति के क्रम में बढ़ चुके हैं। अब वो अवसर आ गया है जब हम अपने मुख्य अतिथि को सुनेंगे। आदरणीय मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए, हमारे सारे विद्यार्थियों को, सारे दिव्यांगजनों को आज के इस सुअवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि प्रदीप जितना खामोश थे आज, हम सोचे इतना खामोश कैसे है, यहाँ बाहर तो आई नहीं अभी तो। चलिए प्रदीप, थैंक यू कि तुमने आज अपना रंग दिखाई दिया। केएस मिश्रा विश्वविद्यालय व सीआरसी लखनऊ के सौजन्य से यहाँ आयोजित कार्यक्रम, जिसको कि हम लोग सफ़ेद विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस भी कहते हैं, और जबकि उसका ऑफिशियल नाम दिया गया है वाइट केन सेफ्टी डे, तो उसको मनाने के लिए आज ये आयोजित कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों का हम विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट की तरफ से आप उनका स्वागत करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मुझे भी ये अवसर मिल गया कि इस आयोजित कार्यक्रम को अटेंड करने का। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विश्व सफेद छड़ी दिवस लोगों में जागरूकता जगाने के लिए तथा दृष्टिबाधित लोगों की समस्याओं को समाज के सामने लाने के लिए ये दिवस यूनाइटेड नेशन ने 1964 में 15 अक्टूबर को का निर्णय लिया था कि इस दिन हम लोग छड़ी दिवस मनाएंगे, इसका जिससे कि आप लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है कि विश्व पटल पे आप लोगों का नाम चिन्हित हुआ है, उसमें आप लोगों को प्रोत्साहन भी मिला और साथ में आगे बढ़ने का अवसर आप बढ़ते रहें और अग्रसर करने का आपको मौका भी मिला। वैसे तो विज्ञानजनों विशेषकर दृष्टिबाधितों का मेरा और मेरे परिवार का साथ 35 साल पुराना है। ये बात शायद प्रदीप जी को तो पता ही है, साथ साथ और लोगों को भी पता होगी। मेरे पति माननीय मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो कि पूर्व सांसद हैं राज्यसभा और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय से बराबर लड़ाई लड़ी जा रही है और हम लोग काफ़ी कुछ 35 सालों से लड़ भी चुके हैं, जो कि सभी को पता है। और इस लड़ाई में सबसे पहले 1989 में जब खदरा का कांड सामने आया था, हमारे प्रत्यक्षदर्शी श्री ब्रजेश मिश्रा जी एडवोकेट वो बैठे हुए हैं, हम लोग सभी लोग गए थे वहाँ की दुर्दशा देखने। उसके बाद माननीय मिश्रा जी ने PIL फाइल किया था और उनको पूरे राइट दिलाए थे, साथ ही साथ 250 लोगों को, दिव्यांगजनों को नौकरी दिलाने का काम न्यायालय के थ्रू ही किया गया था। इसमें जस्टिस सगीर साहब थे, वो बहुत मानते थे मिश्रा जी को, उन्होंने कहा कि भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज मेरा आप वैरायटी बेसिस पे PIL ले लीजिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप कोर्ट में अपीयर होइए, हम इस मैटर को देखते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद जस्टिस प्रदीप कांत जी ने भी काफ़ी हेल्प की। यहाँ पर जो बॉयज स्कूल था उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी, बच्चों लोग को बहुत दिक्कत आती थी कि कोई भी जानवर अंदर चला जा रहा है, कोई भी हो रहा है, बच्चे लोगों टकरा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो रोड बनाने का काम, वहाँ की बाउंड्री बनाने का, पूरा स्कूल स्थापित करने का काम मिश्रा जी ने न्यायालय के थ्रू 2000 से लेके 2002 तक ये संपन्न कराया था। 2003 में जब तीसरी बार बहन मायावती जी की सरकार आई थी, वो तीसरी बार वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो मिश्रा जी उस समय महाअधिवक्ता के पोस्ट पे थे, वो वहाँ उन्होंने बहन जी को हम लोग के ब्लाइंड फंक्शन जो होता है क्रिकेट का,
उसमें उनको बुलाया था। बुलाने पे उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि वो आके आप लोगों का प्रोत्साहन वर्धन करें और आप लोगों के लिए कुछ करें। तो बहन जी ने आके जब देखा तो वो बहुत खुश हुई थी आप लोगों का कार्ड देख के कि आप लोग कहीं से असक्षम नहीं है, सक्षम है। मिश्रा जी ने उसी समय आप लोगों को नाम दिया था कि आप लोग डिसेबल नहीं है, आप डिफरेंटली एबल हैं। क्या आपका कंप्यूटर चलाने का तरीका था, क्या चेस खेलने का तरीका था, सबको बहन जी ने बहुत बारीकी से देखा। क्या आप लोग डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, वो तब से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि आप लोग हर फील्ड में पारंगत हैं और हम यही दुआ करेंगे कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप लोगों का हम लोगों का बस एक ही मकसद है कि आप लोगों को समाज में कहीं भी कोई सम्मान मिले, कोई हेत की दृष्टि से ना देखे और बराबरी का मान ले। इसी में हम लोग प्रयासरत हैं और बराबर होते रहेंगे। बन पड़ेगा उस समय तो कपिल जितने बड़े थे उतने ही बड़े प्रदीप थे, दोनों का साथ ही साथ में चलता था। प्रदीप कपिल ने भी शुरू से देखा कि कैसे आप लोगों की समस्याएं हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। अब वो खुद भी एक वकील है, मैं पेशे से तो वकील है लेकिन अब आधे डॉक्टर हो गए। दोनों ही काम में बखूबी निभा सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं। बहन जी ने उस समय वहाँ पे आप लोगों के पढ़ाई के लिए सीट्स बढ़ा दी थी कि जिससे दिव्यांगजनों के लिए कोई दिक्कत ना हो। और 2003 में उन्होंने राजकीय जो राष्ट्रवादी बालिका विद्यालय है वो उत्तर प्रदेश का पहला वो विद्यालय था कि जिसमें कि लड़कियों के लिए अलग पढ़ने की सुविधा दी गई थी। और उसी समय उन्होंने बस भी नहीं दी थी कि लोगों को आने जाने की कोई तकलीफ ना हो। साथ ही साथ इलाहाबाद, गोरखपुर सभी जगह उन्होंने वहाँ के सारे स्कूल्स खोले दिव्यांगों के लिए और दृष्टिबाधितों के लिए। मेरठ में बॉयज स्कूल खोला गया, इसी क्रम में गोरखपुर में लड़कियों के लिए बालिकाओं के लिए वहाँ दृष्टिबाधित स्कूल खोला गया। एक समस्या आप लोगों के सामने बहुत बड़ी आ रही थी कि आप लोगों की प्रेस यूके यानी उत्तराखंड वाले ले गए थे, जो कि आपको अच्छे से याद होगा वो देहरादून में प्रेस थी। आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई कि वो प्रेस आपकी उत्तराखंड में चली गई, तो बहन जी ने यहाँ प्रेस लगाने का काम किया था ये आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद जब 2007 में चौथी बार वो चीफ मिनिस्टर बनी है, उस समय मिश्रा जी को भी काफ़ी सहयोग मिल गया, अपने पावर का यूज़ किया, उनसे बताया कि आपने बहन जी इंटर तक तो करा दिया है आगे कैसे क्या होगा। तो मिश्रा जी के अथक प्रयासों से आज आपको वर्ल्ड में क्या एशिया में क्या वर्ल्ड में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए भी वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है जिसका के नाम हर जगह लिया जाता है। आप लोगों ने शायद केबीसी में देखा होगा हिमानी बुंदेला का केस बहुत ऊपर है, वो 1 करोड़ रुपए जीत के गई थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया था कि हम ऐसे ही कॉलेज से पढ़ते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं जहाँ मेरे साथ जनरल कैटेगरी के लोग हम लोगों को हेल्प करते हैं और हम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तब अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था ऐसा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो आपके लखनऊ में ही है, जो कि बहन जी के द्वारा इस अथक प्रयासों के द्वारा माननीय मिश्रा जी के उसमें बनाया गया। उसका नाम आप लोग जानते हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में है। उसके अलावा बहन जी की सरकार में काफी लोगों को बैकलॉग से नौकरियां दिलाई गई जो कि उनकी रुकी हुई थी और टाइम बीत गया था, लेकिन उसको भी पूरा कराने का काम मिश्रा जी ने किया था। और हम लोग आपसे पहले से तो जुड़े ही हैं, लेकिन 22 सालों से जो शकुंतला मिश्रा
ट्रस्ट है उसके अंतर्गत मिश्रा जी माननीय मिश्रा जी क्रिकेट मैच कराते हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रदेश से आपके क्रिकेटर्स आते हैं और टीम आके खेलती है। उसमें सिर्फ हमारे नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेयर भी आते हैं जो कि आपका हौसला अफजाई करते हैं, आके यहाँ खेल के जाते हैं। हम लोगों ने देखा है दिन में तो वो लोग खेलते हैं लड़ते हैं, लेकिन शाम के टाइम सब पूरे फुल ऑन मस्ती मारते हैं। वो सब हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम जब कराते हैं तो उसमें आप लोगों का जलवा जज्बा सभी देखने को मिलता है। हम लोग आपके बिल्कुल मुरीद हैं कि आप लोग आगे बढ़े, हम जितना साथ दे पाएंगे उतना देंगे। हम तो प्रिंसिपल सर से ये भी कहने जा रहे हैं कि आप लोगों को कोई मेडिकल हेल्प चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो या वहाँ पे कैंप कराना हो तो प्रिंसिपल सर से आप लोग कहिए, आप लोग बताइए तो वहाँ पे हमारे राय सर बैठे हुए हैं, वो सब मैनेज कर दिया जाएगा। लोग वहाँ को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हम लोगों का यही एक सपना है कि आप लोग प्रगति के पद पर अग्रसर रहें और आगे बढ़ते जाएं। हम लोगों का नाम तो रोशन करें, अपने माँ बाप का रोशन करें और लखनऊ का नाम रोशन हो। इन्हीं शब्दों के साथ आशीर्वाद है, इन्हीं शब्दों के साथ अपने विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम, निरंतर आपका आशीर्वचन, आपकी प्रेरणा और समर्पण संपूर्ण परिवार का, हम सभी के सशक्तिकरण का भाव है। कार्यक्रम अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ चुका है। मैं श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करूंगा कि मेडल जो बच्चों के हैं वो लेके आ जाए, जो कार्यक्रम के बच्चे हैं इस तरफ से एक एक करके आए। आदरणीय मैम, आदरणीय प्रिंसिपल सर, राय सर, सभी के हाथों से एक एक करके कार्यक्रम में जितने बच्चे सम्मिलित रहे हैं, पहले सर्वप्रथम हमारी बेटियों को लेकर के आगे आएंगे आप और सभी एक एक करके आए, सबको मेडल हमारे मंचस्थ अतिथि के द्वारा बनाया जाएगा। कुर्सियां सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। हम मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी हस्तियों का स्वागत करता हूं और खास तौर से जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमें ये अवसर मिला कि आज का ये कार्यक्रम हम अपने प्रांगण में यहाँ पे ये आयोजित कर सके। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि और ज़्यादा बोल भी नहीं सकूँगा क्योंकि हमारे बीच मेरे भाई जो प्रदीप गंगवार जी हैं उनके सामने अच्छे अच्छे हस्तियों की बोलती बंद हो जाती है तो मैं क्या हूँ। तो मैं बस मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को एक बार बस फिर से दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें अवसर मिला। और अभी क्या, मैं तो चाहूँगा कि हर साल अगर हमें ये मौका मिले ये प्रोग्राम आयोजित करने का तो हम और भी ज़्यादा खुश होंगे कि हमें ये मौका मिले आप सबको बीच हमें आने का और आप सबका हमारे बीच आने का। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो मैं इन्हीं शब्दों से आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और तहे दिल से फिर से एक बार आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। एक बहुत ही दिव्यता रंगोली बनाई है, बिल्कुल आप भी आए, गाइड करो आगे। उसके खींचिए
अपनी सहभागिता को हमें प्रदान कराया और अपने महंगे समय में से समय निकाला।